नमस्ते विद्यार्थियों, परीक्षार्थी के माध्यम से मैं विवेक मिश्रा आपके समक्ष कुछ भूगोल से या कहा जाए कि भारत के भूगोल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी इस श्रृंखला के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और वीडियो शुरू करने से पहले परीक्षार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी ऑन कर दें ताकि आपको परीक्षार्थी के माध्यम से आगामी वीडियोज की जानकारी समय समय पर मिलती रहे, धन्यवाद। तो ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं अपने मुख्य उद्देश्य की तरफ, और आज हम आपके साथ भारत की झीलों की जानकारी साझा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं भारत के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर की झीलों को, जिसमें पहला नाम है बुलर झील। बुलर झील का इस झील का प्राचीन नाम महापद्मसर था। यह झील भारत की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील है, और इस झील का निर्माण झेलम नदी द्वारा गोखुर झील के रूप में हुआ था। यह झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। यह झील धीरे धीरे हरित भूमि के रूप में बदलती जा रही है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसमें हरी घास हमें दिखाई दे रही है, कुछ आसपास कुछ झाड़ियां दिखाई दे रही हैं। इस कारणवश इसे भारत के रामसर क्षेत्रों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया है। रामसर क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी होगी, अगर जानकारी नहीं है तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको भारत के रामसर क्षेत्र के बारे में जानकारी दूंगा, और रामसर क्षेत्र क्या है और क्यों है इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली झील की ओर, जो कि है मानसवल झील। मानसवल झील, यह झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 30 किलोमीटर दूर झेलम घाटी में स्थित है, जो कि गर्मियों में कमल के फूलों और यहां आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस झील के पास ही बेगम नूरजहां द्वारा निर्मित मुगल गार्डन बनवाया गया था, जिसको हम जोरवा या जोरगा नाम से जानते हैं। इस झील का नामकरण के पीछे एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि जिस तरह कैलाश यात्रा के दौरान मार्ग में कमल के फूलों वाली हमें मानसरोवर झील मिलती है, ठीक उसी प्रकार अमरनाथ यात्रा के दौरान हमें यह झील मिलती है। इस कारण इसका नाम मानसरोवर की तर्ज पर मानसबल रखा गया है। अब अगली झील है हमारी डल झील। इस झील के बारे में तो आप सभी ने सुन रखा होगा, और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यह झील श्रीनगर में स्थित है। इसका निर्माण हिमानी के माध्यम से हुआ है। इस झील में भी गर्मियों में कमल के फूलों और अस्थिर कुमुदनी से मेरा तात्पर्य है कि कहा जाए कि एक जगह से दूसरी जगह बहती रहती है यह कुमुदनी। झील में एक जगह स्थिर नहीं रहती, आज यहां है तो कल देखेंगे हम कि कहीं और है, बहती रहती है, पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यह झील सर्दियों में जम जाती है, और कई स्थानों पर झील दलदल होने के कारण कम गहरी है। अब आगे चलते हैं हमारी अगली झील की तरफ, जो कि है शेषनाग झील। शेषनाग झील अमरनाथ यात्रा के दौरान अमरनाथ गुफा के समीप मिलती है। माना जाता है कि इसमें स्नान के बाद अमरनाथ बाबा के दर्शन किए जाते हैं। अब ये तो बाबा बर्फानी ही जाने कि यात्रा के समय ठंडी में कौन इस झील में स्नान करता होगा। आपको बता दूं कि यह झील 1.5 किलोमीटर या कहा जाए 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली है, जो कि पहलगाम से 32 किलोमीटर और चंदनवाड़ी से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगली हमारी झील है मानसबल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में जम्मू शहर के पास स्थित है, और माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। इस झील के मध्य में एक द्वीप स्थित है, जिसे सुरिनसर द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप पर एक मछली घर, जिसका नाम पिराना एक्वेरियम है, और एक पर्यटकों के लिए रेस्टोरेंट स्थित है। यह झील महाभारत के समय की मानी जाती है। कहा जाता है कि महाभारत समाप्त होने के पश्चात जब पांडवों ने हिमालय प्रवास किया, तब रास्ते में द्रौपदी को प्यास लगी
और इस झील का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया। अब हम रुक करते हैं हमारी अगली झील, चलते हैं हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की हमारी पहली झील है बड़ा लाचला दर्रे के समीप स्थित सूरज ताल झील, जो कि लाहौल स्पीति घाटी में स्थित है, बड़ा लाचला दर्रे के पास है। इस झील से भागा नदी का उद्गम होता है। भागा नदी याद रखिएगा, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एक हमें फैक्ट मिलेगा, कहा जाए कि एक पॉइंट जो याद रखने योग्य है। इसलिए अब हम आगे चलते हैं चंद्रताल झील की ओर। चंद्रताल झील भी हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी में कुंजम दर्रे के पास स्थित है, और इस कुंजम दर्रे के पास स्थित चंद्रताल झील से चंद्र नदी निकलती है, जो कि सूरज ताल झील से निकलने वाली भागा नदी के साथ मिलकर चंद्रभागा नदी के रूप में एक महत्वपूर्ण नदी का निर्माण करती है। हमारी अगली झील है नाको झील। नाको झील जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नूर जिले में नाको गांव के पास स्थित हंगरंग घाटी में स्थित है। इस झील के समीप हमें कुछ पदचिन्ह अर्थात पैरों के निशान देखने को मिलते हैं, जो कि दूसरे बुद्ध भगवान पद्म संभव के कहे जाते हैं। अतः बौद्ध धर्म के लिए यह झील बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हमारी अगली और महत्वपूर्ण झील है रेणुका ताल झील। कहा जाता है कि यहाँ भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने फरसे से अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसी झील के किनारे माता रेणुका देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां रेणुका देवी का 5 दिवसीय मेला लगता है। यह झील हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के नाहन से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शेर सफारी और चिड़ियाघर भी यहाँ स्थित है। अब अगली झील हमारी देखें, परशुराम ताल झील। रेणुका ताल झील के समीप ही हमारी अगली झील परशुराम ताल झील स्थित है। इसका यह नाम माता रेणुका देवी के पुत्र भगवान परशुराम के नाम पर रखा गया है। सर्दियों में जब बर्फ पिघलने से इन झीलों का जल स्तर बढ़ता है और इनका जल एक दूसरे को छूने लगता है, तो कहा जाता है कि भगवान परशुराम अपनी माता रेणुका देवी से मिलने आए हैं, और यहाँ 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। चित्र में यहाँ आपको 2 झीलें दिखाई दे रही होंगी, बड़ी झील है रेणुका ताल झील और छोटी झील है परशुराम ताल झील। अब चलते हैं हम अगली झील की ओर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमारे झीलों का शहर स्थित है नैनीताल। तो उत्तराखंड में जाते हैं और जानते हैं झीलों के शहर नैनीताल के समीप स्थित झीलों को। तो इस क्रम में हमारी सबसे पहली झील है सात ताल झील। सात ताल झील जो कि नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झील को सात ताल नाम इसमें स्थित 7 तालाबों, नल दमयंती ताल, पूर्ण ताल, सूखा ताल, गरुण ताल, राम ताल, लक्ष्मण ताल और सीता ताल के समूह के कारण इसका नाम सात ताल पड़ा। अगली झील है हमारी भीम ताल झील। भीमताल झील 7 ताल से मात्र 4 किलोमीटर दूर स्थित है, और मान्यता है कि महाभारत काल में जब लाक्षाग्रह दहन के बाद माता कुंती पुत्रों सहित वन में भटक रही थी, तब माता की प्यास मिटाने के लिए उनके पुत्र भीम ने इस झील का निर्माण किया था, और यहीं पर उन्होंने एक राक्षस कन्या से विवाह किया, जिससे उन्हें घटोत्कच नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि इस झील के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ माना जाता है। यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी एवं प्रमुख झील है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो भी पर्यटक नैनीताल घूमने जाते हैं, भीमगढ़ ताल अवश्य घूमने जाते हैं। अब हमारी अगली झील है नैनीताल झील। नैनीताल झील यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, और झील के समीप माता नैनी देवी का मंदिर स्थित है, जिसके कारण इसका नाम नैनीताल रखा गया है। आपको चित्र में नैनीताल दिखाई दे रहा होगा। अब चलते हैं अगली झील नौकुचिया ताल की तरफ। नौकुचिया ताल भीमगढ़ ताल के समीप स्थित है,
और इसका यह नाम इसके नौ कोनों की वजह से पड़ा जिन्हें देखना असंभव सा माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति एक दिन में इसके नौ कोने देख लेता है उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। यह झील नैनीताल से 26 किलोमीटर दूर स्थित है। हमारी अगली झील है रूपकुंड झील। यह झील कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले में जुरांगल दर्रे के समीप तीन त्रिशूल पर्वत चोटियों के बीच स्थित है। मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान शिव के विवाह पश्चात माता गौरा की विदाई के समय उनके अत्यधिक रोने से लगी प्यास को शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से किया था, एवं माता जब पानी पी रही थी तो उन्हें झील में अपना और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप दिखाई दिया, जिस कारण इस झील का नाम रूपकुंड रखा गया है। यह झील वर्ष भर हिम परत से ढकी रहती है। इसकी खोज 1942 में वन विभाग के एक अधिकारी ने अपनी फूलों की नई नई प्रजातियां खोजने के दौरान की थी। जब उसने अपने सहायकों को इस झील के पानी में उतरने को कहा तो पाया कि इस झील की तलहटी में मानव कंकाल बड़ी संख्या में बिछे पड़े हैं। इस कारण इसे मुर्दों की झील भी कहा जाता है। पहले कहा गया कि यह कंकाल विदेशी आक्रमणकारियों के होंगे जो हिमालय को पार करते समय काल का ग्रास बन गए, परंतु खोज के दौरान एक जमा हुआ शव मिला जिसके डीएनए परीक्षण से पता चला कि ये सभी इसी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय थे जिनकी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हो गई। अब अगली झील है पंजाब स्थित हमारी हरिके बैराज झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है, जिसका निर्माण सतलुज एवं ब्यास नदी के संगम पर अमृतसर जिले में किया गया है। इस झील से राजस्थान के लिए भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। अब रुख करते हैं हरियाणा की ओर और देखते हैं यहाँ फरीदाबाद स्थित सूरज कुंड झील को। यह झील यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं के कारण खूनी झील के रूप में अपने आसपास के क्षेत्र में पहचानी जाती है। यहाँ वर्ष 1981 से पर्यटन विभाग द्वारा सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ और देखते हैं राजस्थान में स्थित झीलों को। इस क्रम में हमारी सबसे पहली झील है राजस्थान की सांभर झील, जिससे देश का 60% नमक का उत्पादन होता है। यह अजमेर के समीप स्थित खारे पानी की झील है जो कि जयपुर से 81 किलोमीटर दूर स्थित है। अजमेर जिले में ही राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण झील पुष्कर झील स्थित है जो कि ताजे पानी की झील है। मान्यता है कि इस झील का निर्माण भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से हुआ है। इसके समीप भारत का एकमात्र भगवान ब्रह्मा का मंदिर स्थित है। यहाँ कार्तिक माह में प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है जिसे हम ऊंट मेले के नाम से भी जानते हैं। अगली झील है हमारी माउंट आबू स्थित नक्की झील। नक्की झील के लिए एक माना जाता है कि यहाँ ताजे पानी की झील होने के साथ ही यह झील कहा जाए कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया है, इसलिए इस झील का नाम नक्की झील रखा गया है। अगली झील है राजसमंद झील। यह झील राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1662 में महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवाकर किया था। यह बांध संगमरमर से बनाया गया था जो कि पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। यह भारत के ताजे पानी की मानव निर्मित झीलों में से एक है। अगली हमारी झील है ढेवर झील। ढेवर झील का पुराना नाम जयसमंद है और यह उदयपुर में स्थित खारे पानी की झील है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने गोमती नदी पर बांध बनवाकर करवाया था। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसका बांध भी संगमरमर द्वारा निर्मित है। अब चलते हैं
वाइब्रेंट गुजरात और देखते हैं यहाँ के अहमदाबाद में स्थित नल सरोवर झील को, जिसे 1969 में एक पक्षी अभयारण्य बनाया गया और सर्दियों में अपने प्रवास के समय फ्लेमिंगो पक्षी यहाँ आते हैं। अब नंबर है हमारे मध्य प्रदेश में स्थित भोजताल झील का, जो कि भोपाल शहर के पश्चिम में स्थित है। इसका निर्माण राजा भोज ने 1005 से 1055 के मध्य करवाया था। अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां स्थित है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। इसका निर्माण उल्कापात या ज्वालामुखी के फटने से हुआ माना जाता है, क्योंकि इसकी आकृति पूर्णतः गोलाकार है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि या तो यह किसी ज्वालामुखी क्रेटर द्वारा निर्मित झील है, या कोई अतीत में कोई बड़ी उल्का यहां धरती पर गिरी होगी जिससे इस झील का निर्माण हुआ है। अब अगली हमारी झीलें हैं केरल की झीलें। केरल की समस्त झीलें एक तो कयाल कही जाती हैं, और इनमें सबसे पहला नाम आता है हमारा सास्थाम कोटा झील का। यह झील केरल के कोल्लम में 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि कोल्लम जिले को पीने का पानी की आपूर्ति करती है। इसके साथ ही हमारी अगली झील है बेम्बनाड झील। यह झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। इस झील के वेलिंगटन द्वीप में देश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47A स्थित है। लंबी होने के साथ साथ ही यह कई जिलों में फैली हुई है, जिसके कारण अलग अलग जिलों में इसका अलग अलग नाम है, जैसे पुन्नामुड़ा कयाल या कोच्ची झील आदि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस झील में वेल्लम कली नाम का एक केरल का पारंपरिक खेल होता है, जिसका वर्तमान में हम नेहरू कप बोट रेस के नाम से जानते हैं, जो कि नेहरू कप बोट रेस के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह पारंपरिक खेल जो है यह ओणम उत्सव के दौरान होता है। अगली झील है हमारी अष्टमुदी झील। यह झील केरल के कोल्लम जिले में स्थित है और सास्थाम कोटा झील के पास ही यह झील स्थित है। इसका आकार के कारण इसको अष्टमुदी झील कहा जाता है। इसका आकार नॉर्मली एक तारे के समान है, या कहा जाए कि अष्ट भुजाओं वाला इसका आकार है। केरल में स्थित सभी लैगून झीलें कयाल कही जाती हैं। अगला नाम है हमारी तमिलनाडु की चेम्बरम बक्कम झील का। यह झील तमिलनाडु के चिंगपट्टू जिले में चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी झील से चेन्नई की, या कहा जाए तमिलनाडु की अडयार नदी का उद्गम हुआ है। अगली झील का हमारा नंबर है वीरानम झील का। यह झील तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम के समीप स्थित है, जो कि कालांतर में चेन्नई को पीने का पानी सप्लाई करती थी। आज यह तिरुवनंतपुरम को पीने की जल की आपूर्ति करती है। अगली हमारी झील है आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और खारे पानी की एक लैगून झील है। इसका निर्माण समुद्र में बालू की भित्ति के अलग होने से हुआ है। अगली झील है हमारी कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और ताजे पानी की गोदावरी एवं कृष्णा नदी के बीच डेल्टा जो है उसमें स्थित झील है। यह झील सर्दियों में साइबेरियाई पक्षियों के प्रवास के दौरान यहाँ साइबेरियाई पक्षी आते हैं, और यहाँ 3 दिवसीय फ्लेमिंगो उत्सव भी मनाया जाता है। अगली झील है हमारी तेलंगाना की हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दामाद हुसैन शाह ने करवाया था, जिनके नाम पर इसका नाम हुसैन सागर झील रखा गया। इस झील में दुनिया की कुछ बड़ी मूर्तियों में से एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थित है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ये मूर्ति इसी झील में स्थित है, और इस मूर्ति को जब इस झील में लगाया जा रहा था तो इस मूर्ति को ले जाने वाली नाव
झील में पलट जाने की वजह से मूर्ति झील में गिर गई थी। 2 वर्ष तक यह मूर्ति झील में डूबी रही। यह मूर्ति झील में लगाए जाने से पहले ही झील में डूबे होने के कारण लेटे हुए बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अगली झील है हमारी ओस्मान सागर झील। यह झील तेलंगाना के हैदराबाद के समीप स्थित है और उसको गांधी पेट के नाम से भी जाना जाता है। मूसी नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई है और हैदराबाद को पीने के पानी की आपूर्ति यह झील करती है। अगली झील है हमारी हिमायत सागर झील। हिमायत सागर झील भी तेलंगाना के हैदराबाद के समीप स्थित है और सिकंदराबाद को यह पीने का पानी सप्लाई करती है। इसका निर्माण हैदराबाद के निजाम के पुत्र हिमायत अली खान ने करवाया था, जिनके नाम पर इसका नाम हिमायत सागर झील रखा गया। अगली झील है हमारी उड़ीसा स्थित चिल्का झील। यह झील उड़ीसा में स्थित बृहत्तम खारे पानी की लैगून झील है और दुनिया की दूसरी बड़ी सब लैगून झील है। यह झील झींगा मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें लगभग 225 प्रकार की मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह झील भारत की प्रथम और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है, जो कि 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। अगली हमारी झील है मणिपुर की लोकटक झील। यह झील मणिपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। यह झील तैरती द्वीपीय झील या फुंडी के रूप में भी प्रसिद्ध है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। इसमें कुछ गोल गोल सर्कल चौकोर आकृतियां बनी हुई हैं। यह तैरते हुए द्वीप हैं जिनको फुंडी के नाम से कहा जाता है। इसमें एक केईबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान है और साथ ही एक जल विद्युत केंद्र भी यहाँ स्थित है। अगली झील है हमारी सिक्किम की चोलामू झील। यह झील सिक्किम में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है और भारत की सबसे ऊंची झील है। इसी झील से तिस्ता नदी का उद्गम हुआ है। और अगली झील है हमारी सांगमो झील। यह झील सिक्किम में गंगटोक में स्थित मीठे पानी की झील है और सांगो झील या चुंगू झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। सुरक्षा कारणों से 1 घंटे से ज्यादा इस झील में घूमना कहा जाए कि घूमने की परमिशन नहीं मिलती है। परमिशन के लिए ऐसे इसलिए बात करूंगा क्योंकि यहाँ से जब हम जाते हैं गंगटोक से इस झील के पास या नाथुला दर्रा जाते हैं तो जो रास्ता नाथुला दर्रे के लिए गया है वह इस झील के पास से गुजरता है। हमें नाथुला दर्रा जाने के लिए भी सेना की परमिशन की जरूरत होती है, सेना की अनुमति। इसलिए इस झील के पास जाने के लिए भी हमें सेना की अनुमति की जरूरत होती है और इसी अनुमति के कारण हम 1 घंटे से ज्यादा इस झील के पास नहीं रुक सकते। अगली झील है हमारी उत्तर प्रदेश की रामगढ़ ताल झील। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है और 1700 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैली झील है। इस तरह हमारी सभी झीलें समाप्त हुई। अब रामसर साइट्स देखते हैं। रामसर साइट्स के लिए मैं जानकारी देना चाहूंगा, सबसे पहले समझते हैं कि रामसर साइट है क्या, या कहा जाए कि हम रामसर साइट जो हमारी झीलें हैं या कुछ जो हरित भूमियां हैं वो इस श्रेणी में क्यों आई। रामसर क्या है इसके लिए हम समझते हैं सबसे पहले रामसर कन्वेंशन को। रामसर कन्वेंशन समझौता अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों विशेषकर जलचर पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित समझौता है। यह आर्द्र भूमियों को संतुलित प्रयोग एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली एक संधि है या विभिन्न देशों के बीच हुई एक संधि है। यदि इस समझौते के इतिहास को देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि सबसे पहले यह ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 में हुआ एक सम्मेलन है जिसके प्रतिभागी राष्ट्रों द्वारा आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
यह समझौता रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन के नाम से भी विख्यात हुआ। इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर जैव विविधता में हो रहे परिवर्तन को सम्मिलित समावेशी प्रयासों द्वारा प्रबंधन एवं नियमन करने के लिए इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया गया विभिन्न देशों के द्वारा। यह 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। इसकी मेजबानी ईरान के पर्यावरण विभाग द्वारा की गई थी। अब भारत की बात की जाए तो भारत में अनेक झीलों के संरक्षण के प्रयासों को विश्व स्तर पर चिल्का झील के पुनरुद्धार के लिए देश को रामसर संरक्षण अवार्ड दिया गया है। इसी प्रकार भोपाल झील के संरक्षण कार्य की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है। हमारे पास कुल 26 रामसर साइट्स हैं भारत में, जिसमें आप देख सकते हैं बुला लेक, होकेरा वेटलैंड, पोंग डैम लेक, किंजली, हरिके लेक, रोपर, सांभर लेक या क्योलाडे नेशनल पार्क, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, गुजरात की भोज वेटलैंड, बेमनाट और सास्थाम कोटा और अष्टमुदी पॉइंट और कोलेरू और चिल्का लेक आदि, जो भी हमारे नाम आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं ये सभी रामसर साइट्स हैं भारत की। तो इस तरह धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और मैं एक बार फिर से आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो के बारे में रिव्यू अपना जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें, ताकि हम इस वीडियो में आए सुझावों के माध्यम से अपने आगामी वीडियो में सुधार कर सकें। धन्यवाद।